नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं वित्त वर्ष 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करने के लिए आप भी सज्ज हैं, यानी तैयारी में हैं कि ओके, अब मुझे भी रिटर्न भरनी है। मैं ये भी जानता हूं दोस्तों कि बहुत से लोग इस फिक्स में भी हैं, जैसा कि यहां पर एक चलचित्र में आपको दिख रहा है कि क्या मुझे रिटर्न भरनी है या नहीं, जब इतने सारे लोग रिटर्न के लिए भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा ये टॉपिक बड़े काम का होगा कि व्हेन आईटीआर फाइलिंग इज कंपल्सरी। हालांकि ये क्वेश्चन हर साल उठता है, लेकिन हर साल इस प्रश्न का उत्तर देना भी मैं जरूरी समझता हूं कि इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपके समक्ष ये बात रखूंगा कि आप समझ पाए एक करदाता के रूप में, इंडिया के एक सिटीजन के रूप में, कि आपको आईटीआर फाइल करना कब कंपल्सरी है, पर्टिकुलरली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। आइए दोस्तों, अपने बात की शुरुआत ऐसे करता हूं कि आईटीआर विल बी कंपलसरी फॉर एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यष्टि यानी व्यक्ति के लिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग कब मैंडेटरी हो जाएगी? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और मैं यहां बात कर रहा हूं वित्त वर्ष 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24। मैंने एक टर्म यूज की दोस्तों यहां पर, वो टर्म है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप कहेंगे रुक जी, आपने टोटल इनकम वर्ड क्यों नहीं बोला, हमने ग्रॉस टोटल इनकम क्यों बोला? आप एक बार के लिए मेरे इन्हीं वर्ड्स पे रहिए और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। लेकिन अभी आप ये समझिएगा कि आपको टोटल इनकम वर्डिंग नहीं लेनी, क्या वर्डिंग लेनी है? ग्रॉस टोटल इनकम। यानी सीधे सीधे बोलूं तो आपके सभी हेड्स से, जो पांच हेड्स होते हैं दोस्तों, एक सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांच हेड से आपकी अगर वित्त वर्ष 22-23 की सभी आय 2.5 लाख से ज्यादा है, आप मान के चलिए आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी 60 वर्ष या उससे ऊपर की आपकी आयु हो चुकी थी वित्त वर्ष 22-23 में, तो आपको 3 लाख से ऊपर की ग्रॉस टोटल इनकम पर रिटर्न भरना मैंडेटरी। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी 80 वर्ष या उससे ऊपर वित्त वर्ष 22-23 में, और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सकल कुल आय 5 लाख से अधिक है, तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। तो ये तीन व्यवस्थाएं आपको मैंने शुरुआत में दी। बात करता हूं दोस्तों, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और फिर उससे टोटल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। एक सरल शब्दावली आपके सामने रखूं तो ग्रॉस टोटल इनकम मींस द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम, एनहांस्ड बाय क्लब्ड इनकम एंड रिड्यूस बाय एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। तो जैसा मैंने अभी शुरू में भी बोला सर, फिर आपको बोलूंगा कि आपके पांच हेड्स की जो इनकम होगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इसमें अगर कोई क्लबिंग से इनकम आती है आपके हाथ में, क्लबिंग क्या होती है सर, जैसे माइनर की आय आपके हाथ में आ गई, ठीक है, तो या स्पाउस की इनकम आपके इनकम में जुड़ी, ये क्लबिंग, और इसमें आपको माइनस करना है लॉसेस का एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक सज्जन की सैलरी से आय है 4 लाख, लेकिन उनके पास में हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख का लॉस है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी नेट इनकम रह गई ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख, तो रिटर्न भरना कंपलसरी है? नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। और टोटल इनकम क्यों नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम क्यों है, अगर आप इसका रेफरेंस जानना चाहें तो मैं कहूंगा देयर इज अ सिक्स प्रोविजो इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो ये कहता है कि इनकम डिटरमाइन करना फॉर द पर्पज ऑफ आई टी आर फाइलिंग इज विद रेफरेंस टू जी टी आई, नॉट विद रेफरेंस टू टोटल इनकम। तो ये एक बात आपको मेरी यहां पर कैच करनी होगी क्योंकि अनूप भाटिया ने कहा है मुझे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम से उठनी आई टी आर का स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब एक और पॉइंट दोस्तों आपकी नजर में लेकर के आना चाहूंगा कि जो ग्रॉस टोटल इनकम की अभी मैंने आपके साथ में गणना करी, क्या उसमें कैपिटल गेन एग्जम्पशंस जो घटा सकते हैं हम, उनको माइनस करते हुए ग्रॉस टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है या उनको बिना माइनस किए? आप कहेंगे अनूप जी मैं कुछ समझा नहीं है आपकी बात। देखिए दोस्तों, होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कैपिटल गेन है, से फॉर एन एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो करदाता सेक्शन 54, 54B, EC या 54F में एज एन इंडिविजुअल एग्जम्पशन ले सकते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सिक्स प्रोविजो जिसकी चर्चा अभी मैंने पीछे करी, वो ये कहता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की गणना
विदाउट गिविंग एग्जम्पशन ऑफ दीज सेक्शंस की जाएगी। इसका अभिप्राय क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास में सपोज एक 44 लाख रुपीज का प्रॉपर्टी बिका, 44 लाख रुपीज का प्रॉपर्टी बिका, उसकी इंडेक्स कॉस्ट 11 लाख थी, 33 लाख रुपीज का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब ये 33 लाख एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 आपने एक नई हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया, ठीक है, तो अब आप एग्जम्पशन के हकदार हो गए सेक्शन 54 के। अब एक और आपका कैपिटल गेन 33 लाख माइनस सेक्शन 54 की एग्जम्पशन 33 लाख, तो नेट क्या बचा? नहीं। अगर इसके अलावा आपके पास में 2 लाख की इंटरेस्ट इनकम है तो आपकी फाइनल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 2 लाख। तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है? यू विल से नो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 6 प्रोविजन की चर्चा अभी मैंने करी वो ये कहता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की गणना विदाउट गिविंग एग्जम्पशन ली जाएगी। इसका मतलब विदाउट गिविंग एग्जम्पशन प्राइमा फेसाई आपकी इनकम कितनी हो गई? 33 प्लस 2 35, विच इज अबाउट 2.5 लाख। रिटर्न भरना मैंडेटरी है? यस। आप कहेंगे अनूप जी ऐसा क्यों, तो इसका मतलब तो मुझे एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सर, एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन आपको आईटीआर भरने की लायबिलिटी तय करने के पर्पजेस से एक बार की इनकम 35 देखते हुए रिटर्न भरने का स्टेटस तय करना पड़ेगा। इसका एक लॉजिक ये है कि भारत सरकार ही देखना चाहती है कि ओके, जब तक आप अपनी आईटीआर में एग्जम्पशन नहीं डालेंगे, हम उसका वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ फ्यूचर में। तो आई होप दिस क्लैरिटी इज ऑल्सो देयर नाउ कि आपको आईटीआर भरने के पर्पजेस से वित्त वर्ष 22-23 के लिए अपनी सकल कुल आय की गणना विदाउट गिविंग एग्जम्पशंस लेनी होगी। हाँ, रिटर्न भरते समय आप ये एग्जम्पशन निश्चित रूप से ले सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजो की, विच इज 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। उसने कुछ फिक्टिशियस कैटेगरीज बना दी कि उन कैटेगरीज में आपको एक फिक्शन की वजह से लॉ में जो लिखा है, चाहे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो नहीं हो एज एन इंडिविजुअल, रिटर्न भरना तो कंपलसरी होगा। ये क्या कैटेगरीज है? अ पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन एनी वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद अ बैंकिंग कंपनी और कॉपरेटिव बैंक। यानी अगर आपने किसी करंट अकाउंट में एक साल में 1 करोड़ या उससे अधिक, 1 करोड़ से ज्यादा रादर, 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। यहां कैश डिपॉजिट नहीं बोला है सर, ठीक है, अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, ठीक है, वो डिपॉजिट करा है। तो 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट क्या, आईटीआर भरना मैंडेटरी है। आप कह सकते हैं सर मैं तो लॉस में हूं या मेरी इनकम मात्र 1 लाख है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। दूसरी कैटेगरी, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू फॉरिन कंट्री। आपने स्वयं के या किसी और व्यक्ति के विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए इन एग्रीगेट या एक पर्टिकुलर राशि के रूप में 2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं, तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। तीसरा, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर साल भर में इन एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा खर्च किया है, तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। या ऐसी कोई और कंडीशन जिसे सीबीडीटी आने वाले समय में लेकर क्या, इन चार परिस्थिति में चाहे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है अथवा नहीं, आपको रिटर्न भरना कंपलसरी होगा वित्त वर्ष 22-23 के लिए। ये जागरूकता मैं यहां पर फैलाना चाहता था। अंत में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आईटीआर फाइलिंग किस व्यक्ति को मैंडेटरी करनी है, इस पर्पज से पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो वीडियो बनाई, ये आपकी सेवा में कारगर रहेगी, आपकी सेवा में सहायक सिद्ध होगी। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की आर्थिक प्रगति में आपका योगदान इसी प्रकार निरंतर बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, धन्यवाद।